दर्शकों नमस्कार, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नकली लिक्विड मॉस्किटो वेपराइजर जब्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की छावनी पुलिस ने नकली गुड नाइट मॉस्किटो लिक्विड बेचने वाले 4 संचालकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से नकली 830 नग गुड नाइट लिक्विड बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 63,000 बताई जा रही है। पुलिस 4 संचालकों के खिलाफ 400 बीसी और कॉपीराइट का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। दरअसल छावनी थाने में चेतन रेगे निवासी इंदौर मध्य प्रदेश के थाने में लिखित शिकायत दी गई है कि उसकी कंपनी गोदरेज कंज्यूमर के उत्पाद गोदरेज गुड नाइट लिक्विड मॉस्किटो वेपराइजर गोल्ड फ्लैक्स की बद खुबी नकली गुड नाइट लिक्विड गोल्ड फ्लैक्स मॉस्किटो का व्यापार आरती ट्रेडर्स अजीत जनरल स्टोर के संचालक द्वारा किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरती ट्रेडर्स के संचालक रमेश चंद्र दुबे की दुकान से 230 नग रिफिल पैक, अजीत किराना स्टोर के संचालक अजीत चौहान की दुकान से 240 नग रिफिल पैक, जय स्टेट्स के संचालक अमर बजाज की दुकान से 280 नग रिफिल पैक और बजरंग किराना स्टोर से संचालक महेश अग्रवाल की दुकान से 80 नग रिफिल पैक नकली गुड नाइट लिक्विड जब्त की है। सभी संचालकों से 830 रिफिल बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत 63,910 रुपए बताई जा रही है। छावनी पुलिस ने 4 संचालकों को गिरफ्तार कर पूछ रही है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी नकली गुड नाइट लिक्विड को शहर में खपाते थे। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना में जुट गई है। नागपुर के संग्राम बार में जमकर तोड़फोड़। नागपुर में जगनाड़े चौक के समीप स्थित संग्राम बियर बार एंड रेस्टोरेंट में रविवार की रात जमकर तोड़फोड़ हुई। बताया जाता है कि 6 से 7 युवक अचानक बार के भीतर घुसे और तोड़फोड़ करने लगे। जाते समय हमलावरों ने बाहर खड़े वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। खबर मिलती है कि कोतवाली पुलिस सहित क्राइम ब्रांच का दल मौके पर पहुंचा। सूत्रों के अनुसार 2 दिन पहले ही 3 युवक बार में शराब पीने आए थे। वहां नशे में उनका बार के स्टाफ के साथ विवाद हो गया। बार में तैनात बाउंसर ने युवकों की जमकर पिटाई कर दी। इस बात से युवक बौखला गए। रविवार को रात 9:30 बजे के दौरान युवक अपने साथियों के साथ बार में दाखिल हुए। उनके पास लाठी, हॉकी रॉड और तलवार भी थी। सभी ने पहले बार के काउंटर पर धावा बोला, वही रात रखी शराब की बोतलें फोड़ दी। अचानक हुए इस हमले से बार में बैठे ग्राहक भी दहशत में आ गए, बार से बाहर भागने लगे और भलाई समझी। युवक इतने उग्र थे कि कोई भी बीच बचाव करने नहीं गया। काउंटर सहित बार के शीशे चकनाचूर कर दिए। करीब 10 मिनट तक कोहरा मचा रहा। आरोपी युवक भाग निकले। जाते समय आरोपी ने बार के सामने खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। कंट्रोल रूम से जानकारी मिलते ही कोतवाली के थानाधर मुकुंद ठाकरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस तोड़फोड़ करने वाले युवकों की पहचान करने के लिए बार में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। कंपनी का लोगो लगाकर ग्राहकों को बेचा जा रहा था घटिया पाइप। कस्बे का एक दुकानदार आशीर्वाद कंपनी का लोगो लगाकर घटिया पाइप ग्राहकों को बेच रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार को कंपनी के अफसरों ने दुकान में छापा मारा। मौके से कंपनी के लोगो लगे 22 नग नकली पाइप बरामद हुए। हालांकि दुकानदार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कंपनी के मैनेजर ने उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दायर किया है। फकीरबाद कब्जा निवासी विष्णु केसरवानी करण चोहरा विष्णु ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलाता है। उसकी दुकान में पाइप, हैंडपंप, सबम सीरबल पंप आदि की बिक्री होती है। आरोप है कि दुकानदार की ओर से पाइप बनाने वाली कंपनी का लोगो घटिया गुणवत्ता वाली पाइप में लगा कर बेचा जा रहा है। नकली पाइप बेचने का यह गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा था। इसी दौरान किसी ग्राहक ने मामले की शिकायत कंपनी के अफसरों से कर दी। रविवार को कंपनी के मैनेजर चंद्रकांत अपने अन्य सहयोगी के साथ सराय अखिल पहुंचे। कोतवाली पुलिस को साथ लेकर विष्णु केसरवानी की दुकान में छापा मारा। कंपनी के अफसरों को पुलिस के साथ आता देख दुकानदार वहां से फरार हो गया। छानबीन में कंपनी के अफसरों को दुकान से 10 फीट के 12 नग प्लास्टिक के पाइप बरामद हुए। इन फर्जी तरीके से कंपनी का लोगो लगाया गया। इसके बाद मैनेजर
चंद्रकांत ने पुलिस को दुकानदार के खिलाफ नकली सामान बेचने की तहरीर दी। इस पर पुलिस ने व्यापारियों के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने व्यापारी की तलाश भी शुरू कर दी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकोर्ट, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsnew.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।